हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे कि चैम्फरिंग का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपके सामने एक ड्राइंग दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये जो ब्लू वाला लाइन है ये आपका मशीन का चक है जो जॉब को क्लैंप किया हुआ है, और ये जो आपका ग्रीन कलर है ये आपका जॉब है। ठीक है, इसका ओडी जो है आपका मैक्सिमम जो बड़ा ओडी है वो 40 mm है और एंड में यहाँ 38 है, यानी कि इसका जो चैम्फरिंग है 2 mm का है। इसको हम लोग इसी 2 mm ये आपका ड्राइंग में दे सकता है 2 mm इंटू यहाँ जो एंगल बनता है, जितना एंगल पे करना है, यहाँ मान लीजिए अगर दे दिया 65, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, यहाँ सपोज कीजिए कि 65 का एंगल है, तो इसके हिसाब से हम लोग कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। एकदम सिंपल भाषा में केवल सी का यूज करके चैम्फरिंग का प्रोग्राम बताएंगे, ऐसे ए का जो ये एंगल है इसका भी यूज करके हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सी से समझेंगे प्रोग्राम बनाने के लिए। तो दोस्तों प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम नंबर लेते हैं जो कि ओ से स्टार्ट होता है। ओ के बाद कोई भी चार अक्षर का आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि वो चार डिजिट का जो प्रोग्राम नंबर है आपके मशीन में ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोग्राम का नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डाल दिए 1 2 3 4, एंड ऑफ ब्लॉक देना नहीं बोलना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देते हैं सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर आप लोगों को जैसा पता है, हम पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक के पहले भी दे सकते हैं, या जब जब हम लोग टूल चेंज करेंगे उस समय भी सीक्वेंस नंबर को दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में हम एक बार ही सीक्वेंस नंबर लेंगे जब हम लोग टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रत्येक ब्लॉक में सीक्वेंस नंबर नहीं लेंगे। सीक्वेंस नंबर देने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के लिए G28U0.0W0.0 होम पोजीशन का कोड लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका टूल जो है यहाँ होम पोजीशन पे आके कॉर्नर में पोज हो जाएगा। ठीक है, होम पोजीशन के बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, टूल को सेलेक्ट करते हैं। जिस टूल से हमको यहाँ वर्क करना है उस टूल को हम लोग देखते हैं कि हमारा टूल टैरेट जो है, टूल जंक्शन जो है, उसमें कितने नंबर पे वो टूल लगा हुआ है। अगर वो एक नंबर पे लगा हुआ है तो यहाँ T0101 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग एक्सपैंडर को मूव करेंगे। एक्सपैंडर को मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, G97S2000 और MO3 दे दिए, यानी कि G97 यानी कि कांस्टेंट RPM में घूमेगा और S2000 यानी कि 2000 RPM से आपका स्पैंडल जो है मूव करेगा, MO3 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि टूल को अब जॉब के पास में लाते हैं, यानी कि G0 पोजिशनिंग जब भी हम करते हैं टूल का तो G0 से पोजिशनिंग करते हैं। G0 X40 OD है ना मैक्सिमम, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, यानी 2 mm बढ़ा देंगे, तो X42.0। जब भी हम शुरू में टूल का पोजिशनिंग करते हैं तो टूल का जो आपका जॉब है उसका जो मैक्सिमम ओडी है उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। अगर ऊपर हम रख दिए X42.0 तो Z0.0 पर भी रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये टूल आपका यहाँ अगर ऊपर है तो ये जेड में टकराने का चांस ही नहीं है, अगर आपका ये जॉब जो है बिल्कुल राउंड है तो। ठीक है, यहाँ पोजिशनिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आगे से एक बार फेसिंग कट लगाते हैं। अगर फेसिंग कट यहाँ नहीं लगाएंगे ना तो आपका चैम्फरिंग नहीं बन पाएगा। क्यों दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इस सी के साथ, ये सी वही काम करता है जहां पहले से कोई काम हो रहा हो। अगर आपका टूल पोजिशनिंग में है, यहाँ G0 से पोजिशनिंग है और उसके जस्ट आगे अगर सी का यूज करते हैं तो वहाँ सी से चैम्फरिंग नहीं बन पाएगा, वहाँ आपका मशीन नहीं रन करेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक बार इसको फेस करेंगे मशीन को, ऐसे भी कोई भी जॉब हम लगाते हैं तो उसको आगे से फेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ Z0.0 यहाँ पे पोजिशनिंग है, इस पर हम लोग आगे लाएंगे G01X0.0, यहाँ फिर दे दिए 0.2 दोस्तों X0.0, यानी कि इसको फेसिंग करने के लिए अगर ये राउंड जॉब है तो हमको टूल को यहाँ से काटते हुए मटेरियल
यहाँ तक आना होगा, मशीन का जो सेंटर पॉइंट है वहां तक आना होगा। यहाँ तक आने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई राउंड पीस है, मान लीजिए कि अगर राउंड पीस है और इसको हम लोग अगर इधर से कट करते हैं, इधर से अगर हम लोग अगर यहाँ कट करते जाते हैं तो ये आधा तक आएंगे तो ये तो घूम रहा है ना, ये घूमते घूमते यहाँ तक जब आएगा तो ये पूरा कट जाएगा। और मशीन का जो सेंटर पॉइंट होता है, ये जो आपका एक्स यहाँ 0.0 होता है, यहीं से मशीन जो है काउंटिंग करना शुरू करता है। अगर यहाँ हम लोग 40 मेजर कर दिए ऑफसेट लेते समय, तो ये 40 टाइम यहाँ से डिवाइड करके मशीन ऑटोमेटिक मेजर कर लेता है। ठीक है, अब करेंगे हम लोग चैम्फर का काम। चैम्फर जो आपका कितना है 40 mm पे है और कितना 2 mm है, यानी कि 38 + 2 = 40 होता है ना। यहाँ हम लोग केवल सी का यूज करेंगे, इस एंगल को भूल जाते हैं अभी। ठीक है, तो G01 रैपिड में ही लिखेंगे, लेनियर रैपिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, एक्स 40.0, यानी कि चैम्फरिंग का हम लोग का मैक्सिमम जो है 40 है और मिनिमम कितना है 38 है, 2 mm है, तो यहाँ C2.0 हो गया। यहाँ फीड रेट दे देना है दोस्तों, आपका प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। अब इसके आगे अगर हम लोग को टर्निंग करना है तो जितना लेंथ है, मान लीजिए अगर 20 mm है तो G01Z - 20.0 F0.2, ये आपका टर्निंग करते हुए यहाँ आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टूल को दोस्तों रिफरेंस पॉइंट पे लेते हैं, यानी कि G28U0.0W0.0, यानी कि कटिंग करने के बाद आपका टूल जो है डायरेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ रिफरेंस पॉइंट पे चला गया, आपका काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि मशीन को बंद करेंगे, तो बंद करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्पाइंडल को स्टॉप करते हैं MO5 इन ऑफ ब्लॉक, इससे आपका स्पाइंडल जो है स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद M30 से प्रोग्राम एंड और रिसेट हो जाएगा। उसके बाद हम साइकिल स्टार्ट दबाएंगे तो फिर दोबारा से शुरू से प्रोग्राम जो है रन करने लगेगा। दोस्तों इस प्रोग्राम में हमने कूलेंट को चालू नहीं किया है, अगर आप कूलेंट को चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पोजिशनिंग के बगल में M08 डाल सकते हैं, इससे आपका कूलेंट चलने लगेगा। और इसमें कहीं भी यहाँ मान लीजिए M09 से कूलेंट को ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट एक और चैम्फरिंग का वीडियो बताएंगे जिसमें हम लोग एंगल का यूज करके प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि आपको ड्राइंग में यहाँ इसका वैल्यू नहीं देता है और एंगल डायरेक्ट दे देता है, वहाँ आपको एंगल से प्रोग्राम बनाने की। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये चैम्फरिंग का प्रोग्रामिंग समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ परेशानी हुआ है इसमें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।